अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं आप सबको एमएसओड की प्लेलिस्ट की वीडियो में खुश आमदीद करता हूँ। तो इससे जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने पेज लेआउट में पेज सेटअप के बारे में पढ़ा था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ आ गया होगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ में हमारे पास आ रहे हैं दो ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है इंडेंटेशन एंड सेकेंड है हमारे पास स्पेसिंग। इंडेंटेशन में हम लोग अपने पैराग्राफ को स्पेस देते हैं, लेफ्ट करना चाहते हैं या राइट। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है स्पेसिंग में। स्पेसिंग में हम बिफोर में स्पेस ऐड करना चाहते हैं पैराग्राफ के ऊपर या आफ्टर पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड करना चाहते हैं, हम यहाँ से ऐड करते हैं। तो चलते हैं आज की अपनी टॉपिक की तरफ। इंडेंटेशन समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एक पैराग्राफ लिखा है, तो इसके लिए आप फर्स्ट करें मुझे इसे स्पेसिंग देना है। अब मैंने इसे सेलेक्ट कर दी, अब मुझे इसे लेफ्ट करना है। मैं यहाँ से इसकी स्पेस बढ़ाता हूँ, आप देख सकते हैं हमारे पास स्पेस बढ़ता जा रहा है और जो तीन लाइन में थे हमारे पास पहले लाइन्स, अब फोर लाइन्स पे आ गए हमारे टेक्स्ट। आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट से स्पेसिंग बढ़ता जा रहा है। अगर आप राइट से करना चाहते हैं आप यहाँ से राइट से भी कर सकते हैं लाइक दिस। कोई भी पैराग्राफ हो, कहीं से दरमियान से भी करना हो, आप यहाँ से इजीली कर सकते हो उसे लाइक दिस। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्पेसिंग का। स्पेसिंग में हमारे पास बिफोर में आप देख सकते हैं हमारे पास सेंटेंस है। अब मैं चाहता हूँ इसके यहाँ पे स्पेस ऐड हो, मैं यहाँ से इसे स्पेस ऐड कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैं जैसे ही नंबर बढ़ाते जा रहा हूँ हमारे पास स्पेस ऐड होता जा रहा है। अब फर्ज करें मैं यहाँ नीचे से ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ आफ्टर में। बिफोर हमारे पास ऊपर से ऐड करता है और आफ्टर हमारे पास नीचे से स्पेस ऐड करता है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है अरेंज। ये हमारे पास क्या है, ये मैंने आप लोगों को ऐसे पिछले वीडियो में शेप्स के अंदर समझाया था। अभी ये देख सकते हैं हमारे पास हाईलाइट नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई शेप ही नहीं है। अगर मैं इंसर्ट पे आके यहाँ पे एक शेप ड्रा करूँगा, मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रा कर दी, आप देख सकते हैं अरेंज का ऑप्शन हमारे पास शेप फॉर्मेट के अंदर भी आ रहा है। हमें पेज लेआउट के अंदर आता हूँ, आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया ऑप्शन। ये तो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से समझाया था, अब मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर समझाता हूँ, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता। मैंने इसे यहाँ पर ये ले लिया और मैं इसे ये कलर कर लेता हूँ। फिर मैं अगेन पेज लेआउट के अंदर आता हूँ, हमारे पास है ब्रिंग फॉरवर्ड। ये हमारे पास अभी ब्रिंग फॉरवर्ड है, मैं इसे बैकवर्ड करना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं हमारे पास पीछे आ गया। ये पोजीशन मैंने आप लोगों को समझाया था, जैसे हमारे पास कोई टेक्स्ट होगा फिर हम उसके अंदर अपना पोजीशन सेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इनमें से कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाले न्यू वीडियो आपको टाइम पे मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।